नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ एंड क्यूरियस बॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि है स्कैम। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का स्कैम चल रहा है 2021 के लिए, जिसको स्कैम का नाम दिया जाएगा? पिछले साल जैसे PNB और येस बैंक और भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स के नाम आए थे जिनको स्कैम के अंदर डाला गया था और मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी। तो क्या इस खबर से फिर से मार्केट यहां से गिर सकता है? क्या स्टॉक मार्केट में फिर से एक और बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है? ये जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो इस वीकेंड पे जो भी न्यूज़ डेवलप हुई हैं, बहुत सारी खबरें स्टॉक मार्केट में इस बात को लेके आई हैं कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर स्कैम चल रहा है और उस ग्रुप का नाम हर कोई बता रहा है अदानी ग्रुप्स है। अदानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी में क्या ये बड़ा स्कैम चल रहा है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिसकी वजह से इस तरीके की बातें मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं, आपको वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक ट्वीट से शुरू करूंगा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था 10 जून को। उनके ट्वीट के अनुसार अदानी ग्लोबल में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि ब्लैक मनी एलिगेशन की तरफ इशारा करता है अदानी ग्रुप्स के ऊपर। उन्होंने रेफरेंस लिया है DNA इंडिया के एक लिंक को लेकर के, जिसके थ्रू वो बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप्स में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है। उसी के बाद एक और आर्टिकल या एक स्क्रीनशॉट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि है सुचेता दलाल की तरफ से। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 1992 के फेमस स्कैम को ओपन किया था और इसको सबकी नज़रों में लाया था। इनके हिसाब से भी करंटली एक ऐसा स्कैम चल रहा है जो कि ब्लैक, उनके हिसाब से भी ये बोलना है कि एक स्कैम जो है करंटली सेबी की नज़र में भी आया हुआ है, उनके सिस्टम में भी आया हुआ है जो चल रहा है, जिसके प्राइस को बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है और इस बार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इनके प्राइस को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा योगदान मिला है। तो सुचेता दलाल भी इसी तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने ग्रुप का नाम नहीं लिया कि वो कौन सा ग्रुप है जिसका प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप के प्राइस को ट्रैक किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा कौन से ग्रुप की तरफ है। उन्होंने बिना नाम लिए इंडिकेशन दे दिया कि वो कौन सा ग्रुप है। तो आप ये चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े लोग किसी ग्रुप के ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल होंगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी न्यूज के बारे में पता चले जो जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी भी तरीके के स्कैम में कन्वर्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को किसी भी तरीके का लॉस ना हो, तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। अब अगर मैं एक और न्यूज स्क्रीनशॉट दिखाऊं जो कि CNBC की तरफ से है, वो भी बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप्स के अंदर जो शेयर्स की रैली हुई है उसके अंदर किसका पार्टिसिपेशन हुआ है। तो उन्होंने 7 ऐसे फंड्स की लिस्ट दिखाई है जिसमें वेस्पेरा फंड, एलआरआई इंडिया अपॉर्चुनिटी, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, APMS इन्वेस्टमेंट फंड, ACI इन्वेस्टमेंट कॉर्प्स, LTS इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये कुछ एक फंड्स के नाम इन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से अदानी ग्रुप्स में एक बहुत ही बड़ी रैली नजर आई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बोलेंगे कि ठीक है किसी एक ग्रुप के अंदर किसी फंड को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तब आ जाती है कि ये फंड जो है वो अपना कितना एक्सपोजर इस ग्रुप्स के ऊपर दिखा रहे हैं, उसको मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी खबरें रहती हैं आपको सही समय पर मिलती रहें। साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन भी आते रहे। तो करंट वीक में ही मुझे बहुत से मैसेजेस भी मिले हैं
जिसमें से एक तो यही था, जैसे मैंने सीएनबीसी का आपको एक स्क्रीनशॉट बताया, उसके हिसाब से सीएनबीसी इज रनिंग अ एक्सपोजर ऑन हाउ कार्टेल ऑफ सेलेक्टेड एफआईआई, जो मैंने 7 FII आपकी बताई, होल्डिंग 20-22% ऑफ शेयर पब्लिक फ्लोटिंग इन ऑल अदानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी रिमेनिंग 75 विद प्रमोटर। तो ये बोल रहे हैं कि 75% जो है वो प्रमोटर्स के पास है और बाकी का जो पैसा है वो इन एफआईआई के पास पहुंच चुका है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे क्यूरियस बॉक्स चैनल में कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से मैं लॉन्गर ड्यूरेशन की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे नए चैनल क्यूरियस वेल्थ को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की है, जो कि ऑलमोस्ट 13 मिनट्स की है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करके वीडियो में बताया है। तो आप मेरे नए चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का डिटेल लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है।